नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। फिलहाल भारतीय खिलाड़ियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। आईपीएल का ऐलान होते ही सभी खिलाड़ी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सुरेश रैना और ऋषभ पंत तो हाल ही में मेरठ जाते हुए दिखाई दिए और वहां पर अपने तरीके से बल्ले बनवाते नजर आए। दरअसल आईपीएल का ऐलान हो चुका है, 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच आईपीएल जो है वो खेला जाएगा। इससे पहले 29 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से आईपीएल को इस बार थोड़ा सा कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब लगभग पक्की खबर पुख्ता तौर पर आ गई है कि यूएई में इस बार आईपीएल का आयोजन जो है वो किया जाएगा। खबरें हैं कि भारतीय खिलाड़ी भी अपने अपने हिसाब से यूएई पहुंचेंगे और उसके बाद कुछ दिन उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा एंड देन फिर खिलाड़ी जो है बायोसिक्योर एनवायरमेंट में पूरे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल धोनी की वापसी को लेकर बात करना बड़ा जरूरी है। बीते एक साल से हम सुन रहे हैं कि धोनी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब लगभग क्लैरिफाई हो चुका है कि महेंद्र सिंह धोनी की वापसी होगी और अपने अंदाज में होगी। दरअसल मार्च में जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स अपना कैंप लगा चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी प्रैक्टिस के लिए भी आए थे और प्रैक्टिस में हमने देखा था कि धोनी उस लय में ही नजर आ रहे हैं जिस लय में वो छोड़ के गए थे। ऐसे में लंबे समय बाद धोनी को वापसी करता देख फैंस काफी ज्यादा खुश हुए। हालांकि अब महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बहुत अच्छा मौका भी है, क्योंकि देखिए आईपीएल 19 सितंबर से शुरू होना है, वर्ल्ड कप एक साल के लिए स्थगित किया जा चुका है। तो अगर वर्ल्ड कप 2021 में होता है T20 वर्ल्ड कप, तो फिर यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के पास मौका है आईपीएल में परफॉर्म करें और उसके बाद फिर वो यहां पर टीम इंडिया में जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बीसीसीआई ये शर्त भी रख सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर परफॉर्म करेंगे तो ही वो टीम इंडिया में आएंगे। इससे पहले भी दादा ये बात क्लियर कर चुके हैं कि धोनी का जब तक मन होगा वो तब तक खेलेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस को देखकर ही बीसीसीआई उन्हें टीम में लेकर आएगी। इससे पहले चयनकर्ता भी ये साफ कर चुके हैं कि अगर महेंद्र सिंह धोनी अवेलेबल होंगे और अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है तो फिर हमें टीम में उन्हें रखना होगा। रवि शास्त्री भी ये बात इस साल की शुरुआत में कह चुके थे कि इफ धोनी इज फिट और अगर उनका आईपीएल अच्छा गया तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आसानी से वापसी कर सकते हैं, क्योंकि धोनी की गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत उतनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। केएल राहुल को आप एज अ पार्ट टाइमर ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, हालांकि फिलहाल जितना ज्यादा केएल राहुल को ये खींच सकते हैं ये खींच रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल ने भी अपने आप को स्थापित कर लिया है एज अ कीपर। अभी उन्हें काफी कुछ सीखने की जरूरत ही लग रही है, लेकिन अगर धोनी रहते हैं तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अब सिर्फ और सिर्फ आईपीएल का परफॉर्मेंस ही धोनी के भविष्य का फैसला करेगा। और कई दिग्गज ये कह चुके हैं, उनका मानना यह है कि महेंद्र सिंह धोनी अब शायद वापस नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धोनी सब बातों को गलत भी साबित कर सकते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने संन्यास का ऐलान नहीं किया है। और उनके करीबी सूत्रों का जो कहना है उनका भी यही कहना है कि शायद महेंद्र सिंह धोनी वापसी करेंगे और धमाकेदार वापसी करेंगे जो पूरा जमाना देखेगा। फिलहाल धोनी की वापसी लगभग तय नजर आ रही है। धोनी अपने तरीके से तो तैयार है, लेकिन अब बीसीसीआई क्या उन्हें मौका देगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शर्त यह है कि आईपीएल में परफॉर्म करो और टीम इंडिया का टिकट दोबारा पा लो। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपकी क्या राय है, क्या महेंद्र सिंह धोनी की वापसी होनी चाहिए? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।